छत्तीसगढ़ के कवर्धा में टूल किट को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर के मामले को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। भाजपा नेताओं ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू, जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, क्रांति गुप्ता हाथ में तख्तियां लेकर सिटी कोतवाली पहुंचे। कांग्रेस की प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि कांग्रेस टूल किट के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों में भाजपा की छवि खराब करते हुए देश को बदनाम कर रही है। कोरोना वायरस को अब इंडियन वेरिएंट नाम दिया जा रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी कर उन्हें बाद में मुचलके पर छोड़ दिया। कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में पूरे देश में बदनाम करने की साजिश, तो कुल मिलाकर यह देखा जाए तो देश में एक और जहां संकट आया हुआ है, वहीं कांग्रेस इस संकट में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। और जब कांग्रेस की यह रणनीति देश के सामने उजागर होती है तो उस बात को दबाने के लिए कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर की जाती है।